Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर हूँ, माउंटेनिंग में मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अभी मैं संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर का। यहाँ मैंने भोपाल से 1 नवंबर को शुरू किया था और मैं आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हूँ। जैसे कि आज मैं आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी सर से मिली और मैं बहुत खुश हूँ इनसे मिलके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ज़िंदगी में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितनी सर से मिलके कितनी खुश हूँ। जिस तरह मैं आंध्र प्रदेश में आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ महिला सुरक्षा को लेके अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में मैंने देखा कि महिलाएं हर जगह सुरक्षित है और यहाँ सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। जिस तरह यहाँ दिशा ऐप को ऑपरेट किया जा रहा है कि दिशा ऐप के माध्यम से यहाँ दिशा ऐप को मैंने डाउनलोड किया। यहाँ पर मैंने जैसे सुना कि यहाँ दिशा ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें सुरक्षा को लेकर अगर कोई भी बात हो तो फौरन मतलब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और कोऑर्डिनेट करती हैं। तो जैसे कि मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसका मैंने ट्रायल भी किया, ना कि डाउनलोड किया है उसको मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद तुरंत मेरे पास कॉल आता है, मुझसे पूछते हैं कि आपको कोई मदद चाहिए। तो मुझे आंध्र प्रदेश में पहली बार ये लगा कि हाँ, महिलाएं नहीं पूरा प्रदेश सुरक्षित है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे देश के ऐसे मुख्यमंत्री सर का कि जिन्होंने देश की बेटी को, सिर्फ देश की बेटी की एक बात सुनी और मुझे रिसेंटली 10 लाख रुपए प्रदान किए। क्योंकि बात जब देश की होती है तो हम तो बोलते हैं कि हमारा स्टेट ही, लेकिन सर हमारे देश में है। मैं इसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। वो ऐसे CM है देश के, मैं ऐसे पहले ऐसे CM से मिली। स्टेट की सुरक्षा को लेके इतने चिंता है कि वो स्कूल में कॉलेज में जाके महिलाओं की सुरक्षा को लेके सैनिटरी पैड प्रोवाइड करवाते हैं, या स्टेट की जो बेटियां हैं बेटियों को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं, हर प्रकार से। जैसे हमारे देश की बेटी है तो उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। वो सारा विषय मैंने आज सर से चर्चा की और उस बारे में मुझे लगा, और देश यहाँ आंध्र प्रदेश में आके मुझे लगा कि हमारे देश के हर चीफ मिनिस्टर को आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सर जैसा होना चाहिए, और ऐसा होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।